आज बारिश बहुत आ रही है और बच्चे नीचे घूम रहे हैं। बच्चों को नाश्ता भी करा दिया है और मेरी पूजा भी हो गई है, मैंने दिया जला दिया है। हाँ, फीवर की वजह से ये बर्तन भी साफ नहीं हुए थे मेरे से रात में, और मैंने जो यूज किए थे बस वे ही साफ किए थे, ये हो रहा है। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, अपना नाश्ता करूंगी। बच्चों ने, मम्मी जी, पापा जी ने कर लिया है, मम्मी जी ने उनका नाश्ता बना दिया था, अब मैं अपना बनाऊंगी। आज इसके पापा की और बच्चों की छुट्टी है। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और मुझे रात से फीवर था, इसलिए मैं लेट भी आई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है, और अब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। कपड़े भी डाल दिए हैं और बारिश रह गई है, देखो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में मैंने दवाई ली थी इसलिए थोड़ा सा आराम हुआ है, अब फिर लूँगी, और इसीलिए मैं काम भी कर रही हूँ, क्योंकि वो कपड़े 2-3 दिन में सूखते हैं, इकट्ठे हो गए थे, 2-3 दिन पहले ही धोए थे, वे अभी तक सूखे हैं, फिर पहनने के लिए रेडी हो जाएंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने ये कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, और जितने कपड़े धोएंगे तो मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ लौकी और दाल की सब्जी, चने की दाल की, ये बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को भी और मुझे भी, और इसके लिए ये दाल अच्छे से नहीं गलती है, इसलिए मैंने गर्म पानी कर लिया है और गर्म पानी में इसे 2 घंटे पहले भिगो दूँगी। अभी खाना बनने में 2 घंटे हैं, इतने ये अच्छे से भीग जाएगी। थोड़ा सा 1/2 स्पून मैं इसमें वो डाल दूँगी, बेकिंग पाउडर, ये डाल दिया मैंने दाल। और वैसे तो इसे रात में भिगोना था, लेकिन लौकी अभी ली है इन्होंने ताजी, इसलिए अभी बनाना था, इसलिए मैंने अभी भिगो दिया। और ये झाग वगैरह मैं सब कुछ निकाल दूंगी बनाने से पहले। ये लौकी मैंने कट कर ली है और दाल भी ये धो के साफ कर ली है जो मैंने भिगोई थी, और यहाँ पे मैंने प्याज भी कस ली है और ये टमाटर भी कस लिया है, और यहाँ पे कुकर गर्म हो गए हैं, अब इसमें मैं तेल डालूंगी, मैंने तेल डाल दिया है ये, और अब इसमें मैं थोड़ा जीरा भी डालूंगी, 1 स्पून जीरा डालूंगी। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, मैंने ये प्याज की एक कट करके रखी थी, मुझे प्याज भी इसमें पसंद है, पहले ये प्याज डाल दूंगी। अच्छे से चला लेंगे इसे और हल्का ब्राउन होने तक इसे चलाते रहेंगे। अब ये हो गई है तो इसमें ये कसी हुई प्याज का, इतने ये प्याज होएगी, इतने इसमें मसाला डाल लेते हैं, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर और 2 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून नमक पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 और एक्स्ट्रा डाल देंगे। और 1 स्पून गरम मसाला भी डाल देंगे, ये हमारे घर का ही तैयार किया हुआ मसाला है, ये बाज़ार का नहीं है गरम मसाला, ना ही हम डेली में यूज करते हैं, कोई गैस वगैरह आते हैं जब ही किचन किंग वगैरह यूज करते हैं। और ये अब डाल देंगे इसमें, इसे अच्छे से चला लेंगे। जब अच्छे से तेल छोड़ने लगे इसमें 1/2 बाउल पानी डाल देंगे। अभी इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, अब इसमें जिससे ये ना जले पानी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे चला लेंगे। अब जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें दाल डालेंगे, पहले
हमने दाल डाल दी है, अब मैं इसमें लौकी डालूंगी। लौकी धो के साफ करके रख ली थी मैंने। अब इसे भी अच्छे से चला लूंगी। अब इसमें जलने के लिए जो जल जाए थोड़ा सा पानी, बंद करने से पहले एक बाउल और डाल लेंगे जिससे दाल अच्छे से गल जाए। हमने दाल डाल दी है, अब मैं इसमें लौकी डालूंगी। लौकी धो के साफ करके रख ली थी मैंने। अब इसे भी अच्छे से चला लूंगी। अब इसमें जलने के लिए जो जल जाए थोड़ा सा पानी, बंद करने से पहले एक बाउल और डाल लेंगे। ये इस प्रकार से हो गई है। अब इसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी और इसमें कम से कम 3 या 4 से ज़्यादा ही हो, कम ना हो, सीटी लगाएं और आपकी लाजवाब डिश तैयार हो जाएगी लौकी की। इतने कुकर में विसिल आती है, इतने में रोटियां सेक लेती हूँ। अभी बच्चे नीचे खेल रहे हैं और फिर वे ऊपर आकर मुझे तंग करते हैं, और वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है दवाई के कारण, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश करके ही उन्हें ऊपर बुलाऊंगी। यहाँ पर लगातार विसिल भी आ रही है कुकर में। देखें गाइस मुझे कितना पसीना आ रहा है, रोटियां सेकते सेकते मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, और ये दवाई की वजह से हुआ है। और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से मैं कपड़े धो रही थी और काम कर रही थी तो मुझे इतना पसीना नहीं आ रहा था, और दवाई ली थी नाश्ते के बाद, लेट ही ली थी, लेकिन दवाई का असर अब हुआ है, सारे में पसीना आ मैंने बच्चों को आवाज़ लगा दी थी आने के लिए, बट वे अभी भी खेल रहे थे। मैंने सोचा कि फिर जब मैं पसीने में भीगी गई हूँ तो सारा ही काम करके जाती हूँ। मैं बर्तन भी साफ करने लगी क्योंकि फिर आराम से खाना खिला के लेट जाऊँगी। रात को बर्तन ना करने के कारण इतने बर्तन हो गए थे, क्योंकि यूज के तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा बर्तन मेरे से रात को हो नहीं पाए थे। अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, फिर भी इतने बर्तन साफ हो रहे हैं, इसीलिए बर्तन साफ करने के बाद मैं बच्चों का खाना लगा दूंगी, उन्हें खाना खिलाकर उन्हें 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए सुला दूंगी, और मैं भी दवाई लेके लेट जाऊंगी, और उसके बाद शाम का काम स्टार्ट करूंगी। और अगली वीडियो में मैं आपको मशरूम की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने बनाई थी। वीडियो तो बना रखी है लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए एडिट नहीं की थी। यहाँ पर मेरे बर्तन बिल्कुल साफ हो गए हैं और उन्हें मैंने लगा भी दिया है। अब भव्या ऊपर आ गई है, युवराज भी गाइस देखिए बारिश अब भी बहुत ही तेज हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, और देखिए मुझे कितना पसीना आ गया है खाना बनाते बनाते। और अब मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी, खुद भी खाना खा के दवाई दूंगी, और जो मैंने वीडियो बनाई है उन्हें एडिट करूंगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर डेली ही शूट करती हूँ लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं लग पा रहा, इसलिए वीडियो कंटिन्यू मेरी नहीं आ पा रही। सोचती हूँ कि डेली एक व्लॉग डालूँ लेकिन नहीं हो पाता, एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे भी घर पे रहते हैं और ये परेशान करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।